सबसे पहला चीज कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है वो अलाउ की जा रही हैं पूरी रूरल अर्बन एरियाज में। पहले अर्बन एरियाज में इन सिटू अलाउड था कि मतलब लेबर्स को ही रखना, लेकिन अभी परमिटेड है पूरा, ठीक है। पर सबसे बड़ी बात है कि यूसेज ऑफ मास्क हो गया और सोशल डिस्टेंसिंग वो आपको मेंटेन करना ही करना है किसी भी कीमत पे। दूसरा, इसके जितने प्राइवेट व्हीकल्स हैं उन पे अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, प्राइवेट व्हीकल्स अलाउ की जा रहे हैं, पर जो प्राइवेट व्हीकल्स चलेंगे उसमें मैक्सिमम दो लोग ज्यादा नहीं चल सकते, और अगर ड्राइवर को ले लेंगे तो तीन लोग, पर उसमें भी मास्क वगैरह सब आपको पता है करना है। कमर्शियल टैक्सीज भी हम अलाउ कर रहे हैं, कमर्शियल टैक्सीज केवल, ठीक है, उन पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसमें भी सेम आपको ये है कि दो लोगों से ज्यादा नहीं आप बैठा सकते, और जो दुकानें हैं वो सारी तो परमिटेड हो गई हैं, पर हम एक एसओपी बना रहे हैं, और एसओपी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो वो रोस्टर बेसिस पे कि आज जैसे जैसे कि अगर आपको लगता है जैसे स्टेशनरी की दुकान है तो सर्टेन दिन वो खुलेंगी, ठीक, उनका टाइमिंग्स हम फिक्स कर देंगे। ऐसे ही अभी आपको डिटेल मिल जाएगा कौन कौन सी दुकानें किस किस दिन खोल सकते हैं, और जो शॉप्स हैं उनमें आपको पता है कि मैक्सिमम दो स्टाफ अलाउ करेंगे अंदर दुकान के अंदर, और बाहर जो है दो मतलब आपको सर्कल्स बनाने हैं और दो लोग एट अ टाइम रहने चाहिए, भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, ठीक है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बसेस वगैरह वो बंद रहेंगे, सारा कुछ है। और ये जो चीजें अलाउ हम कर रहे हैं सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक रहेगा। शाम को 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक जो अभी तक चला रहा था कि अगर आपको मतलब गाड़ी चलानी है कुछ भी चलानी है तो इसेंशियल सर्विसेज केवल अलाउड हैं, नॉन इसेंशियल सर्विसेज के लिए आपको पास चाहिए ही चाहिए होगा, मतलब अलाउड नहीं है, उसमें परमिशन चाहिए होगा। तो ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं 7 से 7 के बीच में है, और जो 65 साल के ऊपर है और फिर पर्सन विद को मॉर्बिडिटीज और जो चिल्ड्रंस वगैरह हैं इनको जो एमएचए की एडवाइजरी है उसके हिसाब से आपको ये करना है कि वो घर पे ही रहें, और मैक्सिमम मतलब 3 या 4 लोग अलाउ किए जाएंगे कहीं भी अगर गैदरिंग वगैरह है, मतलब उससे ज्यादा ग्रुप होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए ये कि आपको चीजें जो 144 का है इसेंस वो आपको फॉलो करते रहना है। तो मेजर जो चीजें हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वो आपका हो गया, और उसके बाद प्राइवेट व्हीकल 7 से 7 के बीच में अप्लाई कर सकेंगे, पर वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो हमने बताया उतने लोग रहेंगे। कमर्शियल टैक्सीज भी अप्लाई कर सकती हैं, और शॉप्स हम खोल रहे हैं, पर उसमें शॉप्स में ये करना है आपको सर्कल्स बनाने हैं, और साथ ही साथ स्टाफ 2 से ज्यादा नहीं रखना। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं मतलब सर ये बर्गर शॉप वगैरह होगा, नई का दुकान वगैरह, हाँ वो खुलना है, लेकिन उसका नहीं, रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं अभी खुले जा रहे हैं। बार्बर शॉप्स में हमने क्या किया कि उसको हम परमिशन देंगे उस हिसाब से, बट उसमें बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है कि मतलब क्या क्या एसओपीज हैं उसमें ऑर्डर में मेंशन रहेगा, ठीक है सर। एक तो आज कोई 17 out of 19 में से 17 डिस्चार्ज हो गए हमारे COVID-19 पेशेंट, बाकी 2 का भी दूसरे वाले नेगेटिव रिपोर्ट, मतलब नेगेटिव ही हम एक्सपेक्ट करते हैं वो पहुंचने वाला है। फिर इस हिसाब से हमें कोई गाइडलाइंस में थोड़ा चेंजेस होगा सर, या क्या हम ग्रीन जोन में आएंगे अभी? एक्चुअली जो कल जो कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से वीसी हुई थी तो उसमें बताया गया था 5-6 क्राइटेरियाज थे, तो उसमें एक क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट था कि लास्ट 21 डेज में कोई केस नहीं आने चाहिए थे, तो आई थिंक उसमें हम फॉल नहीं करते क्योंकि लास्ट 21 डेज में हमारे पास केस आया था। अदरवाइज तो बाकी सारे क्राइटेरियाज में हम ग्रीन हो जाएंगे, बट उसके कारण हम ग्रीन नहीं हो पाएंगे, तो आई थिंक वो चीजें मतलब मैटर नहीं करती, क्योंकि बस ये आपका सबसे बड़ी बात है कि इतने पेशेंट्स हैं अच्छे से ठीक हो गए। और सी ये जो जोनेशन वगैरह है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड करना है कि ग्रीन रेड ऑरेंज में करता, पर हमें तो सावधानी बरतनी होगी ना, वो चीजें बरतनी है। तो रिस्पेक्टिव ऑफ किस जोन में हम फॉल करते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें एहतियात जरूर बरतना है वो चीजें। तो आपको जो शॉप्स का अभी वो है रोस्टर वो तुरंत जारी हो जाएगा इस ऑर्डर के साथ, और साथ ही साथ ये भी है कि जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयर ट्रेवल वगैरह सारा कुछ बंद ही है, स्कूल्स कॉलेजेस बंद ही रहेंगे 31 तारीख तक, यानी ये ऑर्डर जो है 31 मई तक एप्लीकेबल है। ऑनलाइन जो लर्निंग कोर्सेस हैं वो चालू रहेंगे, होटल्स रेस्टोरेंट्स और ये सारी सर्विसेज हैं ये बंद रहेंगी एज यूजुअल जैसे पहले बंद थी, और जितने भी सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस एकेडमिक एंटरटेनमेंट या ये इस टाइप की गैदरिंग जितने भी थी वो सारी की सारी बंद रहेंगी, मतलब उसमें अभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा 31 उतना हो जाएगा। और जो एमएचए की एसओपी है एमएचए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसको सभी को फॉलो करते रहना है। सो आई थिंक मेन जो रिलैक्सेशंस है वो है प्राइवेट व्हीकल्स का अप्लाई करना, और साथ ही साथ दुकानों का खुलना, और कमर्शियल टैक्सीज का
अप्लाई करना, और उसके साथ क्या है कि जो आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का ये तो है, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये 7 से 7 के बीच में है, सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक, शाम को 7 से लेकर सुबह 7 यानी 12 घंटे जो रात के होंगे, शाम से लेकर सुबह तक 12 घंटे वो एज यूजुअल से पहले आ रहे थे उसी तरीके से रहेंगे विदाउट परमिशन। उसमें आप नॉन एसेंशियल चीजों के लिए नहीं जा सकते, और साथ ही साथ उस टाइम के बीच में कंस्ट्रक्शन वगैरह भी बंद ही